इजाजत के बगैर किसी ने आपके पानी से वजू कर लिया या गुस्ल कर लिया, पूरा काम किया उसने, नियत किया बिल्कुल सही तरीके से, चेहरा धुला सही तरीके से, हाथ धुला सही मसा किया, मगर शरीयत कहती है वजू बातिल है, क्योंकि आपने अपने पानी को इजाजत दे दिया इस्तेमाल करने, काम पूरा सही है, नियत बिल्कुल सही नहीं है, चेहरा धुला हाथ धुला सब कुछ, मगर आप औकात पूछिए कहते हैं जो मालिक है उस पानी का उसकी इजाजत, तो अमल गैर साले हो गया है, अमल साले न हुआ, क्यों ना हुआ, इसलिए इजाजत नहीं, बस वैसे ही दीन इस्लाम जब तक अली की विलायत न हो, जब तक अली की विलायत न हो, पूछे उलमा से पूछे की बात है या नहीं है, ये फकत हम आपको खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, जब तक अली की विलायत न हो दीन का कोई अमल बनो बिल्कुल मुताबिक शरीयत हो वो ताले नहीं होगा, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो खैरात हो, कुछ भी हो, जब तक अली इब्न अबी तालिब के विलायत में हो शर्त नहीं हो, किस किस तरीके से परवरदिगार ने समझाया है, कहीं पर अजर कहा देखो अजर दो और फिर गदीर में समझा दिया ताकि आंख खुल जाए, देखो यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि ये नहीं जो कुछ नहीं, अब कैसे समझाए, अब किस तरह कहा जाए कि अमल साले क्या है, हर अमल साले हो जाएगा अगर आपके पास वो शर्त पाई जाए, और शर्त नहीं है तो मशरूफ हो जाएगा, ये बिल्कुल अटल फैसला है कुरान का और दीन का, और अल्लाह को कोई मोहताजी भी नहीं है, अगर सारे बंदे अल्लाह की इबादत करना छोड़ दें तो अल्लाह को बिगड़ कर, वैसे ही जैसे अल्लाह बेनियाज है वैसे ही मेरा मौला बेनियाज है, क्यों, इसलिए कि मेरा मौला नफ्सुल्लाह भी है नफ्सुर्रसूल भी है, सारी दुनिया न माने उसको कुछ नहीं, वैसे ही मेरा मौला सारी दुनिया न माने कोई परवाह नहीं, मानोगे तो खुद का फायदा करो, यानी अगर कोई मेरे मौला को मानता है तो उसका खुद का एहसान खुद के ऊपर होगा, अली नहीं होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, अल्लाहु अकबर अली के एहसान नहीं होता है, कि कोई सोचेगा अपने अली को मान लिया तो एहसान कर दिया, कल आपने सुना था कि कहां मानना, जब मीसा ने कहा कि इतना मानता है जो कहां मानता, मानता सलमान ने बन जाता,
पूछे आप कि अली किस सफ का है, अली किस सफ का है, जिस सफ में खुदा और रसूल है और बंदे वो अली को इतना नीचा लेके आ रहे हैं। रिकॉर्ड कर जा, अली किस सफ का है जिस सफ में खुदा और रसूल है। आप वर्ष के सब कि कभी अलग ही नहीं हुआ और बंदे वो इसी बहस पड़े हुए कि वाली ऐसे तो वाली ऐसे सुबह इस्लाम लाए तो सुबह करना पड़ेगा। अरे बाबा अली को कहां समझ सकता है कोई। सलमान बन जाता भाई जो काम खुदा करता है, क्या खुदा क्या करता है, क्या खुदा जिंदा कर सकता है, जिंदगी देता है मौत देता है, सलमान ने किया कि नहीं किया, तो फिर सलमान समझो। अली कहाँ समझ सकते हो, कौन समझ सकता है अली। अरे भाई नहल बराबर किताब है ये अली लिखी नहीं है, लिखी थोड़ी ना बैठ रहे, ये तो खुतबा बयान किया है आम बंदों के दरमियान, आम बंदों के दरमियान ये बोले फकत। और हमने किसी दिन अर्ज किया था कि आलमबंद फरमाया मेरी मिसाल तुम्हारे दरमियान बिल्कुल वैसी जैसी बकरी के दरमियान चरवाहा, तो चरवाहा बकरियों की जबान इसलिए बोलता था कि बकरी समझे, तो ये हमें समझाने के लिए अली बोला तब नहजुल बलागा बनी है, हमें समझाने के लिए बोला बंदों को तब नहजुल बलागा बनी। कहीं वो अपनी जबान बोलने पे आता तो पता नहीं क्या बोलता, और ये नहजुल बलागा इतनी अहम किताब है कि अब पता नहीं आपने गौर क्या नहीं किया। हमने जहां तक गौर किया है नाकिस इल्म में कि एक तरफ कुरान है एक तरफ मुलाका है, ये दोनों किताब पर गौर किया। अब हम अपनी जाती बात बता रहे हैं, पता नहीं दूसरे उलमा से आप मुझे शायद हो, हमने देखा तो हमें कुरान आसान लगा नहजुल बलागा मुश्किल लगा। कुरान की अरबी हमें समझ में आ जाती है आसानी से और नहजुल बलागा हम समझ नहीं पाते, और कहते हैं ये कुरान बड़े का नाम है और नहजुल बलागा छोटे का नाम है, दिमाग परेशान है कि बड़े कलाम समझ ले रहा हूं और छोटे का नहीं समझ पा रहा हूं, और मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा क्या। जबकि ये मेयार हमने अर्ज कर दिया ये तो बकरियों को समझाने के लिए बोले थी, अभी अपनी जमात में बोली नहीं, इतनी अजीम किताब कौन सी किताब शागिर्द की, कौन सी किताब उस्ताद की। भाई होना कहता कि उस्ताद की किताब ज्यादा सख्त हो शागिर्द कम है, समझ में। लेकिन उस्ताद अल्लाह है तो किताब उसकी कुरान है और नहजुल बलागा शागिर्द की किताब है। अब मुझे नहीं पता जो मेरे फिक्र ने अर्ज कर दिया कि मैं आज तक समझ नहीं सका कि क्या मसला है, शायद कोई समझा दे कभी कि कुरान क्यों आसान है और नहजुल बलागा क्यों मुश्किल है, या हम समझ ना पा रहे हो, हो सकता है कुरान इस आसानी में बहुत गहराई हो, लेकिन बात है कि कुरान के 70 माना है। खैर बहस क्या मेरी बहस यह है कि जब नहजुल बलागा एक ईसाई के पास पहुंची जिसका नाम हमने पिछले साल अर्ज किया था जार जनता, जिसने नहजुल बलागा की स्टडी करने के बाद एक किताब लिखी थी, एक किताब लिखी थी उसने द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस ऐसे कुछ नाम था गालिब उसका, उसने किताब लिखी थी और उसने कहा कि 200 टाइम मैंने पढ़ा था, 200 बार नहजुल बलागा उसने पढ़ा
और पढ़ने के बाद अब लिख रहा है कि जितनी बार मैंने पढ़ा हर बार हमें कुछ नया मिला। एक और कर रहे हैं आप, कि जितनी बार पढ़ा हर बार हमें कुछ नया मिला। और ये लिखने के बाद अब वो किताब में लिख डाली पूरी, लेकिन उसने नोट लगा रहा है, वो लिख रहा है कि नहीं बता पढ़ने के बाद तो तोजो कीजिएगा। मैंने बैलेंस किया कि कुरान आसान लगता है, नबी बलागा मुश्किल लगती, समझ नहीं आता कौन उस्ताद कलाम है कौन शागिर्द कलाम है। वो कह रहा है कि इतने बार पढ़ने के बाद एक बार वो नोट लिख रहा है अपनी किताब के आखिर में और कह रहा है कि अली अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कहूं कि तू ईसा से बड़ा है, अगर मैं ये कहूं कि तू ईसा से बड़ा है तो ये मेरा धर्म कबूल नहीं कर रहा है कि मैं ईसाई होकर के अली को ईसा से बड़ा करता हूं। वो नोट लिख रहा है कि अगर मैं ये कहूं कि तू ईसा से बड़ा तो ये मेरी मजहबी मजबूरी है, धार्मिक मजबूरी है कि मैं ईसाई हूं, कैसे कहूं। और अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि ईसा तुझसे बड़ा है, अगर मैं ये कहूं ईसा तुझसे बड़ा है तो ये मेरा जमीर कबूल नहीं कर रहा है। सामने नहीं बुला रहा, अगर मैं ये कहूं कि ईसा तुझसे बड़ा तो ये मेरा जमीर कबूल नहीं कर रहा है। भाई एक छोटी सी मिसाल दे दे, मसलन मिसाल के तौर पर एक मुज्तहिद आ जाए और उसकी हजारों किताबें और हम कुछ एक किताब भी लिखे तो कोई हमसे मोहब्बत करने वाला कह दे भाई आप आगे से तारीख से बढ़े, भाई कैसी बात, उसकी हजारों किताबें मौजूद है। हम मैं एक नौकर तो वही कह रहा है कि ईसा तुम्हारे दो चार कौन मिलते हैं ये नहीं मिलागा। ए ईसा अगर मैं ये कहूं कि तू इससे बड़ा तो मेरे अंदर का जमीर नहीं बोल रहा कि मैं कहूं। और ये लिखने के बाद लिखता है कि मेरे अली मां तूरा खुदा नबी हुआ, मैं आपको खुदा भी नहीं कहूंगा। वो कह रहा है ए अली मैं आपको खुदा भी नहीं कह सकता, मैं आपको खुदा भी नहीं कहूंगा, बस ए अली खुदा दोगो बना, ए अली आप ही आके मुझे बता दो कि तू किस थी आखिर है तू कौन। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद को, समझा दे। मैं कहूंगा ए जान जरदार तू कहां अली सोच रहा है, पहले सलमान को समझ कि सलमान क्या है, मुझसे पूछ कि अली क्या है, जिसे दुनिया न पहचान सके उसे सलमान कहते, जिसे दुनिया न समझ सके उसे सलमान कहते हैं और जिसे सलमान न समझे उसे अली कहते हैं। बहुत समझो, जिसे दुनिया न समझ सके उसे सलमान कहते हैं और जिसे सलमान न समझे उसे अली कहते हैं और जिसे अली सजदा करे उसे जली कहते हैं। सलवार पर सलवार भाई अली समझना है, अल्लाह अकबर समझेंगे अली। अरे भाई अली चमन चमन कर करे अली 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 नगर नगर कर करे अली 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 और दम अली अली और दम
बिस्तर पे लिटा दिया रसूल ने, 40 सो जाओ, पूरी तारीख भाग देखा गया कुरान मजीद में इसकी आयत मौजूद है, कहीं आप मिल जाए कि अली कभी सोया हो। नहीं मिले अली सोया हो, नहीं सोया, एक ही सोना मिलता है अली का शबे इधर, और बड़ा जोर दिया परवरदिगार ने उसको कुरान में देखे आप अली सो जा, अली को सुला दिया। कल हमने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि जो कुरान है वही अली है, जो अली है वही कुरान है, जो हक है वही अली है, जो अली है वही हक है, जो मोहम्मद है वही अली है, जो अली है वही मोहम्मद है। याद आया, शक ना हो, हम नहीं कह रहे, खुद हुजूर फरमा गए ना हम सब के सब मोहम्मद है। अच्छा आप सुन ले, आप मुशरिकीन ने किसको घेरा, रसूल को मांगा ना फिक्र में, रसूल को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब सुला दे अली को, अली को सुला। जब अली को लिटा दिया कहा अली सो जाओ, जी हुजूर, अली लेट गए, लेकिन लेटने से पहले इतना पूछ लिया, अल्लाह के नबी मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी, मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। अल्लाह के नबी ने डिग्री दे दिया, हाँ तेरे सोने से मेरी जान बच जाएगी। ये क्यों पूछा, सिर्फ इसलिए पूछा ताकि तारीख जब बने तो दुनिया समझ ले कि अली के सोने से जान बची है, किसी के जाने से नहीं। एक सलवात को मालूम मत करो, अली ने कहा बच जाएगी, हाँ बच जाएगी। अच्छा जब चलने लगे तो कहा अली सो जा, तो अब यही मैंने देखा है कि अली कहते हैं अल्लाह के यहाँ कभी सोई, अल्लाह के यहाँ कभी सोते नहीं। कुरान में है आयत मौजूद है, ला ताखुज़ू सिन्न वला नौम, तो अल्लाह ने सोता है ना ब्यावा की, अल्लाह कभी सोते ही नहीं, अल्लाह तो क्या दुनिया सो गई खत्म, अल्लाह सो नहीं सकता कभी। मूसा ने पूछा था कि अल्लाह तुझे नींद नहीं आती है, तो अल्लाह ने उन्हें दो शीशे के बर्तन दिए, कैसे ये खड़े रहो सोना नहीं, एक ही रात में जहां नींद पे प्रेशर आया दोनों टकरा गए टूट गए। अल्लाह का पूछा देखा अगर मैं सो जाऊं कायनात इतर बितर हो जाए, अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह कैसे सो जाए, मगर सोना भी है, क्यों सोना है, इसलिए अली ने अपनी जिंदगी पूरी तौहीद बचाने में लगा दी। अब चूंकि मेरा मौला खुद कहता मैं सोया, तो मैं सोया, मैं तो अली को मानना है, मुझे तो अली को मानना है, मैं सोया, मैं सोया, लेकिन जब सोया चादर तान लिया और हुजूर निकल गए, जब हुजूर निकल गए तो रास्ता खुला थोड़ी था, उसे गीन घेरे हुए थे, हुजूर निकल गए, इबलीस आ गया और आज कहा किसको घेर रहे हो, क्या वो मुस्तफा को मारना है, इनको बंद करना है, कहा वो जा रहे थे, वो जा रहे जिसको माना वो जा रहा, वो बाहर निकलो को देखा कुछ गिर नहीं, शाम यहाँ रहते मक्के के रहने वाले वो अली जा रहे, अरे अरे मुस्तफा जा रहे, कुछ गिर जाओ वो वली जा रहा। इब्लीस को बर्दाश्त नहीं, वो कूद के आए चादर उठा के दिखाई, कहा देख ये अली सो रहा है, कहा चलो जाओ मुस्तफा सो रहे हैं। तो बात सही है ना, जो अली है वही मोहम्मद, जो मोहम्मद है वही अली, सलवात पर मोहम्मद अली।
और इतना अच्छा सोना कि अल्लाह अपने फरिश्ते से कहता जिब्राइल से, जिब्राइल दे मेरा बंदा, एक भाई दूसरे भाई भी कैसे कुर्बान हो रहा है, जा अली के पास। अब जब जिब्राइल आए तो इतनी हिम्मत नहीं कि सर के पास आए, पैरों के पास आए। अली का, अरे यहाँ काम, यहाँ मेरे भाई की हिफाजत कर। तो कहने नहीं, वो अल्लाह ने आपकी नफ्स को, आपकी जान को खरीदना चाहा है, भेजेगा क्या? जो पैदा अल्लाह है भेज दूंगा, कितने का भेजेगा? क्या उसकी मर्जी? अब कुरान की आयत आसान होती है, सारे मुफस्सरीन ने बताया कि अल्लाह ने शबे हिजरत अपनी मर्जी दे दी, अली की जान, अली के नफ्स खरीद लिए। भाई बिजनेस तो आप करते जाते हैं, बिजनेस का मामला क्या होता है? बिजनेस का मामला ये होता है कि जब खरीद और फरोख्त होते हैं, होता है तो खरीदने वाले की वो चीज मिलकर हो जाती है, बेचने वाले की हो वो चीज मिल जाती है। मतलब आपने एक चश्मा खरीदा, चश्मा आपका हो गया और पैसा आपने खुद ही, पैसा हमारा हो गया। अब हमारा पैसा खर्च कर दे तो चश्मा आपके पास है, वो आपका रहेगा हमेशा, जो हमने खर्च कर दिया, बल्कि हमने ले लिया, कुछ ले लिया, लेकिन जो आप पास, वो आप पास रहेगी जब तक आप चाहेंगे। तो अल्लाह ने मर्जी दे दी और अली का नफ्स खरीद लिया, सौदा हो गया। अब अली की जान अल्लाह की जान, अल्लाह की मर्जी अली की मर्जी, अब वो इस्तेमाल करेगा अली की जान, अली इस्तेमाल करेगा उसकी मर्जी। अब उसने इस्तेमाल किया अली को, जा अली खैबर में, खंदक में, उहद में, बद्र में, हुनैन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई इस्तेमाल कर रहा ना जान उसकी, अली को इतराज नहीं। अरे अल्लाह भेजता गया, अली जाता गया, अल्लाह भेजता गया, अली जाता गया, अल्लाह ने खर्च कर दिया, अल्लाह ने इस्तेमाल कर लिया, अली के पास मर्जी बची। अब मर्जी क्या है? बहुत कुछ मर्जी अल्लाह की, मगर कुछ गिना दे अल्लाह की मर्जी, रिस्क अल्लाह की मर्जी, बेटा दे ना दे अल्लाह की मर्जी, जान दे ना दे अल्लाह की मर्जी, मौत दे ना दे अल्लाह की मर्जी, जन्नत दे ना दे अल्लाह की मर्जी, ये सब अल्लाह की मर्जी। मर्जी है अली के पास, जान अली के लिए चुका अल्लाह, भेज चुका हर जगह, हर जगह भेज चुका। अब मर्जी अल्लाह की, अब बंदे पूछते हैं कि तुम अल्लाह से नहीं मांगते हो, अली से मांगते हो, बाबा मर्जी भी इसके पास है, तो अली बेटा दे दे, अली मर्जी दे दे। मर्जी नहीं, मर्जी तो अली के पास है ना, कुरान में तो अकीदा है ना, यही तो कुरान कह रहा है कि कुरान हिदायत का बिल्कुल सीधे रास्ते की, देखो तो कुरान, वो कह रहा मर्जी कहां अल्लाह के पास रही, वो तो अली को दे चुका, तो अली से मांगो, अली की मर्जी को देगा ना मर्जी को ना देगा, भाई अली की मर्जी, वहां मर्जी जहां मांग रहे हो वहां मर्जी नहीं बची, बिजनेस तो हो चुका। मैंने पहले भी साल दे दिया, किसी ने पैसा खर्चा कर दिया, माल गड़बड़ रखा हुआ है, तो अल्लाह ने अपना खर्चा कर दिया जो लिया था। अली के पास मर्जी कयामत तक रहेगी, जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे ना देंगे, मांगना अली से मांगो, तो अब जन्नत और जहन्नम अली की मर्जी है, जिसको चाहेगा देगा, जिसको चाहेगा ना देगा, तब जिसके पास
अली खुद दे या किसी से बटवा दे। अब ये ना पूछना जो पहलोल कैसे जन्नत किया, अली की मर्जी है जिससे चाहे बटवा दे। अली चाहे खुद बांटे चाहे बटवा दे उसकी मर्जी है। जबकि हमने रवायत पढ़ी थी अभी कि बहुत मोतबर रवायत है कि खुद ये रवायत करने वाले फरमाते हैं कि फरमाया हुजूर ने कि ला, बहुत उम्दा रवायत थी देखे आप कि हुजूर ने फरमाया कि जब तक अली लिख के ना दे दे उसमें जो रवायत है लफ्ज अहदुन है, अहद मतलब कोई, अहद मतलब कोई अभी है। जब तक अली लिख के ना दे दे उस वक्त तक कोई पुल सरात को अबूर नहीं कर सकता। बहुत कौतुक कीजिएगा, जब तक अली लिख के न दे दे उस वक्त तक कोई अहदुन का लफ्ज है, वो पूरी रवायत मेरे जहन में नहीं आ रही है कि हम पढ़ देते, मगर हमें काम भी अहदुन थे कि अहदुन कोई भी, जब कोई भी कह दिया तो अब बचा कोई नहीं, आदम से लेके कयामत तक, आदम लेके कयामत तक कोई भी जब तक अली लिख के न दे दे उबूर नहीं कर सकता। तो मेरे मोहतरम मौला के चाहने वालों, उस कोई भी में आदम भी है, नू भी है, ईसा भी है, मूसा भी है, इब्राहिम भी है, सारे अंबिया हैं। तो जब आदम लेके ईसा तक सारे अंबिया अली के पास क्यों में खड़े हुए लिखवाने के लिए खड़े होंगे, जब अंबिया खड़े हुए हैं तो हमारे और आपकी क्या होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वालों का, जब तक अली लिख न देंगे कोई नहीं पाठ कर सकता है, तब इसको राजी करना है, अली को राजी करना है ना, मर्जी तो इसके पास है। हमारी पूरी कोशिश ये होना चाहिए कि अली राजी हो जाए, और अली को राजी करने के लिए इश्क करना जरूरी है, और इश्क का लाजमा ये होता है कि फिर आशिक माशूक के ऊपर एतराज नहीं करता, आशिक माशूक के ऊपर एतराज नहीं करता, जो उसका माशूक चाहता है वो करने के तैयार रहता है, जो उसका माशूक चाहता है वो करने के तैयार रहता है। अब हमें करवाने के लिए आज नहीं करना, हमें सिर्फ ये कोशिश करना है कि आपको आशिक अली बना दे तो अपने आप नमाज पढ़ने लगेंगे, ज़कात देंगे। हम आशिक बना दें, और आशिक कब बनेंगे, जब फ़ज़ाइल इतना बुलंद होगा, इतना अजीम, कितना अजीम है, कितना बुलंद है, और जो करें आप अली का दौर आया, जब खिलाफत का दौर आया अली का, तो तारिक ने पूछे कि इतना मजमा था मस्जिद नबवी में कि खुद नहज बलागा में मौला फरमाते हैं कि हमारे बच्चे कुचले जा रहे थे, इतना मजमा था, इतना मजमा। और यही कहा कि मस्जिद में
बलभोगी खचा खच भरी मस्जिद, सारे मर्द दंग इकट्ठा। अब अली जब पहुंचे तो बीच की बात छोड़ करके जो मकसद बयान करना चाहते हैं वो आपके किताबों मौजूद है कि अली जब पहुंचे तो वहां बैठे जहां पे रसूलुल्लाह बैठा करते थे, जो मिंबर था वो रसूलुल्लाह बैठा करते थे वहीं पर बैठे। तो जो आशिक होता है कि वो एतराज नहीं करता है, उसे पता है जो कर रहा है अच्छा है, अली जो भी करेगा अच्छा है, इसलिए कि जो नफ्स खुदा और नफ्स रसूल हो वहां कोई नक्स हो ही सकता है, तो जो करेगा वो सही कर रहा है। अब जब वहां बैठा तो नहज बला का आगमन मौजूद है, रुजू किसे बोलते हैं? मिसाल के तौर पर फिल्माई गलबुता बैठे हुए हैं, ये रहने वाले बंबई के, बंबई से यहां आए, तो जब बंबई से यहां आए तो हमने कहा गलबुता साहब बंबई से यहां आए, और जब बंबई गए तो हम बोलेंगे गलबुता साहब पलट गए, पलट गए, यानी ये इनका मकाम नहीं था वो मकाम था वहां पलट गए। तो पलटने के लफ्ज वही बोला जाता है, बहुत गौर कीजिएगा, आपका ये मकान ये घर नहीं है, आप यहां आए जब घर जाएंगे तो हम कहेंगे आप पलट गए, तो घर आपका मकान है, जहां मकान हो वहां पलटा जाता है, जाना वहां गया, यहां आप आए घर पलटे। बता दो भाई अली फरमाते हैं जलागा में कि जब मिंबर पर बैठे तो फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ किया, कब रजा लहक इला मकाने, आज हम अपने मकान पर पलट आया, यानी ये मकान था हक का, कहीं चला गया तो हक फिर आ गया हक की जगह, सलवात पे मोहम्मद वाले ये हक पलट के फिर हक की जगह आ गया, रसूल हक अली हक पलट आया, एक ने इतराज कर दिया खड़ा हो गया और कहा कि अब कहां बैठे, अब कहां बैठे, यहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे, यहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे, बस एक मर्तबा तेरे दुलजलाल पर जला आया और कहा तेरी मां तेरा मातम करे, ये तो लकड़ी है, तेरी मां तेरा मातम करे लकड़ी में ठोक रहा है, क्या तू अंधा था जब ये कदम दो से रसूल पर पहुंचा था? सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, बहुत सोचो, क्या तू अंधा था कि जब ये कदम दो से रसूल पर पहुंचा, तो कब पहुंचा, किसने पहुंचाया? अली ने पहुंचाया, रसूल ने पहुंचाया नहीं है जी, पूछे रोबा से दोनों भाई खाने काबा मौजूद, दोनों खाने काबा मौजूद और सारे सनम ऊपर, अल्लाह के नबी कहता है अली बहुत ऊंचाई करते हुए, बहुत ऊंचाई करते हुए, अली तुम जा जाओ मेरे ऊपर,
ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम बैठ जाओ? अली बैठ गए। अली बैठ गए। अब जैसे ही अली बैठे और रसूल ने अपना पैर उठाया कि दो से अली पर रखे, मैं एक जुमला आप तक पहुंचाना सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूं कि अली समझा जितना समझ सकते हैं, उससे आगे समझने की ताकत ही नहीं। जैसे ही रसूल ने पैर उठाया नज़ला जिब्राइल, जिब्राइल आए और आके रसूल का पैर चूम के कहते हैं अल्लाह के नबी खुदा कह रहा है देख तो कौन बैठा हुआ। क्या हुआ? अल्लाह का देख, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की आंख, अल्लाह का सर, अल्लाह के दोष, किबलिया का बदन बैठा हुआ है, अहबीब मेरे ऊपर पैर रख। अहबीब तो मेरा हबीब है, मेरे ऊपर रोक लिया रसूल, अच्छा ले तुम बैठो, पूछे तारीख भी है कि नहीं, क्या अली अब सलाम। अब यही लिखा हुआ है कि रसूल ने अपना दो झुकाया, अली तुम सलाम। अली के दोनों दोष, रसूल के दोनों दोष के ऊपर एक तरफ आयत कुरान की लिखी हुई इधर कुरान लिखा हुआ था, इधर मोहरे नबूवत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहां पर मोहर नबूवत, इधर कुरान की आयत, यानी इधर भी कुरान, इधर भी कुरान, दोनों तरफ कुरान लिखा हुआ है। और अली ने अपना पैर रख दिया और खड़े हो गए, बहुत बहुत जो अली ने अपना पैर रख दिया और खड़े हो गए, वो जो काम करना था किया, पहुंचाना यहां पर है कि अली का पैर इधर भी कुरान के ऊपर, इधर भी कुरान के ऊपर, फिर उसने आप नहीं गौर किया अली का पैर इधर भी कुरान के ऊपर, इधर भी कुरान के ऊपर। ए दुनिया के सारे बंदो सुनो, तुम और हम वो हैं कि कुरान को चूमे, हम और आप वो हैं कि कुरान को चूमे, अली को कुरान पे चलने वाला है। अली का बेटा हुसैन, बस बाप है। आज तीसरी मोहर खत्म हो रही है, कल का दिन और बता मेरे पास, क्योंकि इतने बावफा था उनका तत्कार न हो ये ना आपकी हो, और असहाब बहुत हैं, टाइम कम है, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जुमले अर्ज कर दे ताकि हम और आप कुछ थोड़ा हक अदा कर दें, क्योंकि इतने बावफा असहाब किसी को नहीं मिले, नाश्ता होता है
इतने अच्छे साहब किसी ने। अरबाब ऐसा दिल में एक चाहत भी पैदा हुई कि असहाब के जिक्र से पहले थोड़ा सा ये अर्ज कर दे कि इतना पाक अली का इतना पाक बेटा हुसैन कितना करीम है, कितना करीम है। असहाब से कह रहा है मेरे साहबियों यजीद है कि फकत मेरे सर का कहा तुम जाओ जन्नत भी ले लो, मैं वादा करता हूँ। हुसैन ने कहा मैं वादा करता हूँ जन्नत भी दूंगा, तुम जाओ तो चले जाओ, और अगर जाने में शर्म हो कर रही हो तो मेरे अहले बैत में से जिसका दाव हाथ खुले नहीं चले जाओ। ये कहने के बाद चिराग दूर कर दिया कि शायद उजाले में कुछ शक महसूस हो रही, चिराग दूर कर दिया, अगर इसको जाना और चला जाए। थोड़ी देर बाद जब चिराग फिर रोशन हुआ तो यही तारीख बता दी, सारे सहाबी इतने बेहतर सब तस्तमत और सब ने अपनी अपनी वफादारी का सबूत पेश किया, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, कोई गया नहीं। और जैसे ही हुसैन घर में पहुंचे और जनाब जनाबे ने फरमाया भैया अपने अधार में उनका ध्यान करेंगे थोड़े कर सकते, ये आवाज किसी सहाबी कान में गुजरी तो दौड़ के आया और कहता है ये हुसैन के वफादार साहबियों अली की बेटी को यकीन दिलाना। देखा वो सारे साहब पहुंच गए, हुसैन को आठ महसूस पहले मार रहा है और देखा कि सारे साहब तलवार लिए हुए अपने गर्दन रखे हुए, आका सहारा के बेटे से कहो इजाजत से गर्दन काट रखे हुए, कितने अच्छे वफादार साहब, कितने बाबा साहब कुर्बान होने के ऊपर आमादा। ये हुसैन, ये हुसैन के सहाबी है, और हुसैन कौन है जी? तो हुसैन उस करीम अली का करीम बेटा है कि जब जंग में नहरवान हुई तो जो मारे गए मारे गए, जो जिंदा पकड़े गए मालिक अश्ता मिला उन्हें बंद कर दिया, बंद कर दिया। उन पकड़े गए लोगों में शिम्र भी था, दरवाजे की सलाख पे खड़ा हुआ था। हमारा आपका शहजादा हुसैन गुजरा, शिम ने सलाह कौन कहता है ए शहजादे हुसैन तुम्हारी सिफारिश कर दो बाप ने। हुसैन पलटे, पलट के आए अली मस्जिद कूफा में और कहते बाबा वो कैदी कह रहा है छोड़ा हमसे हुसैन। अली ने देखा हुसैन को, कहो हुसैन तुम कह रहे हो चलो छोड़ देता हूँ जाओ छोड़। जैसे ही दरवाजा खोला जितने पकड़े गए थे वो निकलने लगे, जब सिर निकला तो हुसैन ने पकड़ लिया, क्या मुझे प्यासा दिख रहा है पानी पिला दूं, सिर अभी कैद में है हुसैन ने छोड़ दिया, सिफारिश किया हुसैन छोड़वा दिया।
सवारी नौ टूट दे दो। शिव कहता है नहीं हमें सवारी नहीं, हमें बस छोड़ दिया, आपने मगर को लिया, क्या नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ रहा हूँ जाओ। लेकिन हुसैन ने कहा ठहरो, हम आले मोहम्मद आए और एक कपड़े में लिपटा हुआ कोई हदिया देखा, ये रख लिया और मुझे पता है कि तेरे पास एक बेटी है, जब उसने देखा तुमने दो गोशवाए रखे थे। कश्यप ने याद रखना बेटियों के साथ दुल रही अपने फैमिली में आ गए। अभी कुछ बताया नहीं अपने बेटे से,
بیٹا کا لگا عمر نکل چلے اس لیے کہ فوجیں آ رہی ہیں, شاید جنگ ہونا ہے, ہم لوگ نکل چلتے ہیں. ماں کہہ رہی بیٹے کل چلیں گے, کل دیکھیں گے. لکھا وہ تین دن تک یہ بیٹا کہتا رہا اور ماں اس کی کہتے کل دیکھیں گے. اب یہی کتاب میں موجود ہے کہ جب دسویں محرم قریب آ گئی تو وہ کہتا ہے اماں جنگ کے آسان ہے. اس کی ماں کہتی کل بہت تو جو کلمہ پڑھنے کا مطلب جانتا ہے اور کیا کلمہ پڑھنے کا مطلب جانتا ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ابھی کلمہ پڑھا بس سمجھ گیا, وہ سمجھ گیا. ہاں ماں میں سمجھ گیا. کہنے کہ بیٹے جب تک تو حسین پہ قربان نہ ہوگا دودھ نہ بچو مشین نہ بچوں گی. کہہ کے حسین کے بعد بھیجا, ابھی کوئی اصحاب شہید نہیں ہوا. حسین کے پاس آیا, آقا مجھے اجازت دے دیجیے, میری ماں نے بھیجا ہے. خود نے دیکھا ٹال دیا, اجازت نہیں دیا. اس کے بعد کچھ اصحاب شہید شہید ہو گئے. ایک مرتبہ اس کی ماں خیمے سے نکلی اور آ کہتی بہت کیا کر رہا ہے, کیوں نہیں خرما ہو رہا؟ ماں کہیں تو رہا ہوا بس ایک مرتبہ بہت کی ماں ہے اور کہتی آقا اجازت. حسین نے کہا اجازت. بہت غور سننے کا, آپ ان شاء اللہ بہت روئیں گے تو یہ سب اصحاب با وفا ہے, ان کا بھی حق ہے کہ انتگریا کیا جائے. حسین کا وہ کیا اجازت مانے جا دلوا دی. ایک مرتبہ وہب آیا اپنی زوجہ کے پاس, ماں دیکھ رہی تھوڑا اندر دیر ہوئی, اس لیے وہب نے کہا زوجہ سے کہ میں جا رہا ہوں قربان ہونے کے لیے. تو اس کی زوجہ نے کہا شادی کیوں کی, 18 دن کی دلہن ہے, 18 دن. مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور اکیلا جتنا چلا جائے گا, میں اجازت نہیں دوں گی جب تک کہ تیرا آقا مجھ سے بات ہو رہی. وہب نے اپنی زوجہ کو لیا, وہب نے اپنی زوجہ کو لیا. حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, مڑ کے دیکھا, دیکھا دونوں زن و شوہر موجود ہیں. امام رحمت نے کیا مسئلہ آج ہو گیا تھا, آپ کا یہ جا رہا آپ کو قربان اکیلے جنت جا رہا ہے, آپ مجھ سے وعدہ لے لیجیے یہ مجھے لیے بغیر جنت نہ جائے. یہی یقین نا مالک جنت ہے اسے. ابھی تازہ تازہ مسلمان ہے, تازہ کلمہ پڑھا, مگر اتنا یقین ہے کہ حسین مالک جنت ہے. کہتے ہیں اس نے وعدہ کروا دی کہ اکیلے جنت نہ جائے. حسین کھڑے ہوئے, اے زوجہ وہب کی زوجہ میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تجھے لیے بغیر جنت ملنا جائے گا. میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے لیے بغیر جنت ملنا جائے گا. جیسا ہی وعدہ کیا ایک پتہ وہب کی زوجہ ہاتھ جو کہتی اے آقا دوسری خواہش یہ ہے, دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے زہرا کی بیٹی کی خیمے میں پہنچا دو, جنگ کا دستور یہ جب تک مارے جائیں گے لوٹے جائیں گے.
वहब का इजाजत मिली। वहब निकला, मैदान में आया और रजत पहना और ये कहता जा रहा है, मुझे देखो मैं ईसाई हूं, ईसाई हो के मैंने कलमा पढ़ा और मैं पहचानता हूं उसे, क्यों तुम नहीं पहचानते कौन है, किसका बेटा है। और ये कह के जंग करता जा रहा है, जंग करते करते एक मतलब वहब पे एक हाथ कट गया, वहब का एक हाथ कट गया। लिखा वो वहब एक हाथ के साथ पलटा खोलने के लिए, जब पलटा तो क्या देखा कि उसकी सौदा खेमे से एक चूब लेके आ गई। वहब पीता भी सौदा से, अरे तू कहाँ आ गई, तू तो मुझे रोक रही थी जाने से। उस सौदा के दिए वहब तुझे क्या पता, मैं खेमे से देख रही थी जब तेरे हाथ कटा, मैं देखा सौदा तो तुम पूछा रहा, अल्लाह ने करी Yeah, I don't know.